हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज क्लास 12th में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट हमारे वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो पिछला वीडियो चला के चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसा डेरिवेशन उसमें किया था, कुछ स्मॉल स्टेप कुछ सिंपल स्टेप इसके अंदर भी हम हुए हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, बस इसके अंदर डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन समझने के बाद आप स्टेप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मान लो जैसे आपने उसकी डेफिनेशन दी, इसकी डेफिनेशन मान लो आपके पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पास किया आपने। ओके, आपने अल्टरनेटिंग करंट पास किया बेटा कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो करंट ए से यहां से बी जाएगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये ना यहां से यहां करंट जाएगा। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर हम बात करें तब भी इसमें से क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? हीट। और जब करंट वापस आएगा तब भी इसमें से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। मान लो जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो हमने कितनी मान ली है? एच। क्या मान लिया हमने? एच। क्या है हमारे पास? जो इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस हुई। अब क्या करते हैं हम? अब इसके अंदर से बेटा अल्टरनेटिंग करंट पास ना करके क्या करंट पास करते हैं? डायरेक्ट करंट। कैसा करंट पास करते हैं? डायरेक्ट बोल दो या स्टेडी करंट। स्टेडी डायरेक्ट करंट पास करते हैं। कितने टाइम के लिए पास करेंगे? सेम टाइम टी के लिए पास करेंगे। फिर जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, अगर दोनों में हीट प्रोड्यूस सेम हो रही है, आपने जो अल्टरनेटिंग करंट टी टाइम के लिए पास किया उसमें से हीट निकली मान लो 12 जूल, ऐसे आपने डायरेक्ट करंट सेम टाइम के लिए पास करा उसमें से भी अगर मान लो 12 जूल एनर्जी निकल जाती है, 12 जूल हीट निकल जाती है, तो वो जो स्टेडी करंट होगा ना, स्टेडी डायरेक्ट करंट होगा, वो अल्टरनेटिंग करंट का कहलाएगा रूट मीन स्क्वेयर करंट। क्या कहलाएगा? रूट मीन स्क्वेयर करंट। मतलब आपको टी टाइम के लिए अल्टरनेटिंग करंट पास करना है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है एच। ऐसे ही उस टी टाइम के लिए आपने डायरेक्ट स्टेडी करंट पास किया, उससे भी हीट अगर एच प्रोड्यूस हो रही है तो जो डायरेक्ट करंट की वैल्यू है वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट की कौन सी वैल्यू कहलाएगी बेटा? IRMS। कौन सी कहलाएगी? IRMS बोल दो, चाहे VRMS बोल दो। वोल्टेज की जगह पर करंट को रख दो या करंट की जगह पर वोल्टेज को रख दो, दोनों का मतलब सेम ही बन जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन बेटा रूट मीन स्क्वेयर, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, इसको RMS वैल्यू बोल देते हैं। RMS वैल्यू of alternating current is that value of steady direct current, that value of steady direct current which produced the same amount, which produce the same amount of, जो produce करे same amount of heat in same time, same amount of heat produces in same time as that of alternating current। जैसे हमारा alternating current टी टाइम में एच हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही अगर हमारा डायरेक्ट करंट टी टाइम में एच हीट प्रोड्यूस करे तो वो डायरेक्ट करंट उस अल्टरनेटिंग करंट का क्या कहलाएगा? RMS, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करें। जैसे हमने बेटा एवरेज वैल्यू निकाली थी अल्टरनेटिंग करंट की, टोटल चार्ज निकाला था, क्योंकि टोटल चार्ज को हम बात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल चार्ज किस निकालेंगे बेटा? टोटल हीट। क्या निकालेंगे? टोटल हीट। टोटल हीट निकालने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? उसको इंटीग्रेट निकालेगा, टोटल टाइम्स उसको डिवाइड कर देंगे, जो कि आपको क्या वैल्यू दे देगा? आपके कौन से करंट की वैल्यू दे देगा बेटा? IRMS की वैल्यू। कैसे करेंगे देखो ध्यान सुनो। हम मान लेते हैं जो DH है इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। DH क्या मान लिया मैंने? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट produces,
या प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम डीटी, बहुत कम टाइम के लिए हमने करंट पास किया, उससे हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई, डीएच। ठीक है, और हमको पता है जो करंट हीट की इक्वेशन होती है डीएच, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई स्क्वेयर आर, है ना, एच का फॉर्मूला हमारे पास ही होता है बेटा, आई स्क्वेयर आर टी। और अगर डीएच की बात करें तो डीएच का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वेयर आर इंटू में डी टी। क्लियर है? तो ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हो गई। अब हमें फुल साइकिल के लिए निकालना है। देखो बेटा, एवरेज हमने जब वैल्यू निकाली थी हमने हाफ साइकिल के लिए अलग निकाल दी थी और फुल साइकिल के लिए निकाल दी थी। यहां पर हम हाफ साइकिल फुल साइकिल को ना डिस्कस करके सीधा ही फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप हाफ साइकिल में करंट पास करोगे तो भी हीट निकलनी है और फुल साइकिल में भी करंट पास करोगे तो भी हीट निकलनी है। वहां पर फुल साइकिल में टोटल चार्ज जीरो था, यहां पर फुल साइकिल में टोटल हीट जीरो नहीं है, इसलिए हम हाफ साइकिल का ना लेकर किसका निकाल रहे, सीधा हम आरएमएस निकाल रहे हैं बेटा। कौन सी साइकिल की निकाल रहे हैं, फुल साइकिल की। ठीक है, कितने से कितने तक टाइम तक, जीरो से कैपिटल टी टाइम इंटरवल तक। तो डीएच हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हो गई, कितने टाइम इंटरवल में निकला, आई स्क्वायर आर टी में। ठीक है, टी टी टाइम इंटरवल में निकला। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब जब हम इनका दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएच और यहां पर लिखा है कितना, आई स्क्वेयर आर डी टी। डीएच की जो वैल्यू है इसको इंटीग्रेट करोगे तो एच बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहां इंटीग्रेशन में क्या आएगा बेटा, आई स्क्वेयर आर डी टी। और हमें पता है टाइम कहां से कहां तक है बेटा, टाइम इसका है जीरो से लेकर कैपिटल टी, कहां तक टाइम इंटरवल है, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक। और जो हमने इसमें करंट पास किया है, ऑब्वियस सी बात है उस करंट की इक्वेशन होती है आई बराबर कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास करंट की वैल्यू होती है। यहां पर हम करंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो यह जगह इंटीग्रेशन जीरो से कहां तक कैपिटल टी, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, यह है आई नॉट स्क्वेयर, आई की वैल्यू आई नॉट स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू में आर इंटू में डी। ये हमारे पास हीट की वैल्यू हो गया। हम आपको कुछ नहीं करना, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। इसको ट्रांसफॉर्म करके कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन एच यहां पर हमारे पास आ गया बाहर है, आई नॉट स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है क्योंकि पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक करंट की, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा। अंदर बचेगा कहां से, लिमिट आएगी जीरो से टी, सिर्फ बचेगा हमारे पास कितना, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी टी। हमें साइन स्क्वेयर ओमेगा टी को चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का जो फॉर्मूला होता है आपको बता देता हूं, साइन स्क्वेयर थीटा वो होता है वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन में, यही फॉर्मूला हम इस साइन स्क्वेयर थीटा में अप्लाई करने वाले हैं। तो एच की वैल्यू क्या होने वाली बेटा, आई नोट स्क्वेयर आर ब्रैकेट स्टार्ट जीरो से इंटीग्रेशन जीरो से टी, साइन स्क्वेयर क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस ओमेगा, थीटा की जगह क्या है बेटा, ओमेगा टी, तो कोस टू, ओमेगा टी नहीं आएगा, टू ओमेगा टी आएगा ना, तो टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू, जो टू है वो कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले, या आई नोट स्क्वेयर आर कॉस ओमेगा टी। और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में बेटा, डी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते, देखो क्या इंटीग्रेशन टर्म में क्या है, एच बराबर आ गया आई नोट स्क्वेयर आर डिवाइड बाई टू इंटू वन का इंटीग्रेशन होगा कैपिटल टी, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा कैपिटल टी, और कॉस टू ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है साइन टू ओमेगा। अब सब कंडीशन समझ में आ रहा होगा, और साइन टू ओमेगा टी साथ में नीचे कितना आएगा बेटा, टू ओमेगा, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से कैपिटल टी तक। कहां से कहां तक लिमिट जाएगी बेटा, जीरो से कैपिटल टी तक। क्लियर है? उसके बाद आप देखो पहले अपर लिमिट पुट करोगे, फिर कौन सी लिमिट पुट करने वाले, लोअर लिमिट पुट करने वाले, फिर सोल्व करने वाले। इसको कैसे कैसे सोल्व करेंगे, इक्वेशन में पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा,
ये आ गया आपके पास आई नोट स्क्वेयर आर डिवाइड बाय टू ब्रैकेट स्टार्ट इस यहां पर दी स्मॉल टी बेटा। पहले स्मॉल टी की जगह पर क्या पुट करोगे, अपर लिमिट वो रहेगी कैपिटल टी माइनस साइन टू ओमेगा टी। साइन कितना हो जाएगा बेटा, साइन टू ओमेगा कैपिटल टी डिवाइड बाय ओमेगा माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा जीरो और माइनस माइनस यहां पर प्लस इंटू साइन टू ओमेगा जीरो अपॉन में ओमेगा। देखो वैसे नहीं लिया क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, ये जीरो है। यहाँ पर टू ओमेगा टी कितना होता है बेटा टू पाई, टू पाई को टू से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा फोर पाई। साइन जीरो की वैल्यू जीरो है तो टू पाई की वैल्यू भी जीरो होगी और फोर पाई की वैल्यू भी जीरो होगी तो ये तीनों की तीनों टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास जीरो की बराबर। तो हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला आया वो कितना है आई नोट स्क्वेयर आर डिवाइड बाय टू। ये हीट तब प्रोड्यूस हुई जब हमने इस कंडक्टर में कौन सा करंट पास किया बेटा, अल्टरनेट करंट पास किया। कितने टाइम के लिए पास किया, टी टाइम के लिए। अब हम क्या करेंगे इसी कंडक्टर में डायरेक्ट करंट पास करेंगे, कितने टाइम के लिए पास करेंगे, टी टाइम के लिए। ठीक है, नाउ विच करंट इज पासिस, नाउ डायरेक्ट करंट हमने इसमें से डायरेक्ट करंट पास कर दिया बेटा। डायरेक्ट करंट पास करोगे तो हीट प्रोड्यूस एच है, हम बोल रहे दोनों में से हीट प्रोड्यूस एच क्यूएल होगी, एच क्यूएल कितनी हो जाएगी आई। अब जो करंट आप पास कर रहे हो है ना वो आई नहीं होगा, वो होगा आपका आई आर एम एस, क्योंकि दोनों में हीट सेम प्रोड्यूस हो रही है। तो डायरेक्ट करंट भी कितने टाइम के लिए पास किया आपने, टी टाइम के लिए, तो हो जाएगा आई आर एम एस इसका होल स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, यहां पर भी कितना है ये टी टी आएगा ना, बाकी सब प्लस जीरो के टी आ गया। ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ये हीट तब प्रोड्यूस हुई है जब हम इसमें से कौन सा करंट पास किया है एसी, और ये हीट तब पास ये हीट वो प्रोड्यूस हुई जब इसमें से कौन सा करंट पास किया डीसी। ये डीसी ही इस एसी का क्या कहलाता है आपको, एवरेज वैल्यू आई आर एम एस। दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम इक्वेशन वन और टू को। जैसे ही आप इक्वेशन वन और टू को इक्वेट करोगे बेटा देखो क्या होगा इसके अंदर, आपने इक्वेशन वन और टू इक्वेट की तो यहां पर देखो क्या है आई नोट स्क्वेयर आर टी डिवाइड बाय टू और वहां पर कितना है बेटा आई आर एम एस इसका स्क्वेयर आर आर टी से आर टी कैंसिल आउट। देखो जो आई आर एम एस आ रहा है ध्यान से देखना, वो इसका स्क्वेयर वहां ले जाएंगे अंडर रूट हो जाएगा तो ये बच जाएगा आई नोट और डिवाइड बाय कितना आ गया अंडर रूट टू, डिवाइड बाय कितना आ गया अंडर रूट टू। मतलब जो हमारे पास रूट मीन स्क्वेयर करंट होता है, जो हमारे पास कौन सा करंट होता है, जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर करंट होता है ना बेटा वो कितना टाइम होता है एक बटा अंडर रूट टू टाइम्स किसका होता है ऑफ पी की वैल्यू। कौन सी वैल्यू का बेटा, जो अल्टरनेटिंग करंट में पीक वैल्यू है करंट की, जो पीक वैल्यू है उसका वन अपॉन अंडर रूट टू टाइम्स जो भी आएगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा बेटा, वो होगा आपका रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ना। तो हम बोल सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल्स टू होगा आई नोट अपॉन में अंडर रूट टू। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं करना चाहो तो, आई आर एम एस ये हो गया आई नोट अंडर रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। अगर आप 1.414 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0.701 आएगा इंटू आई नोट। मतलब जो आपका आई आर एम एस है वो 70.1% होता है किसका, पीक वैल्यू। जो पीक वैल्यू है उसका कितना परसेंट होता है बेटा, 70.1% होता है पीक वैल्यू का। क्लियर है, और जो हमारा था रूट मीन स्केल के पहले जो था हमारे पास मीन वैल्यू जो थी, मीन वैल्यू थी कितनी 60.6%। तो यहां से हमें पास समझ में आती दो चीज,
जो आई मीन है वो होता है 2/π टाइम्स किसका, आई नोट का, और आई आरएमएस जो है, ठीक है बेटा, तो आई आरएमएस जो होगा वो होगा कितना, आई नोट का अंडर रूट 2 टाइम्स। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ये हमारे पास वी की वैल्यू वाला, ये हमारे पास आई नोट है। अगर हम बात करें आई नोट यहाँ है तो आई आर एम एस यहाँ होगी और आई मीन यहाँ है, ये आई एम है, ये आई आर एम एस है और ये कितना है आई नोट। क्लियर है, रिलेशन समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, हम इस वीडियो के अंदर रूट मीन स्क्वेयर पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक्स फॉर फोकसिंग।